उम्मत ये खुदा की है, आका को बचाने की। ऐ गार तेरे मुंह पर मकड़ी का ये जाला है। ऐ गार बाबू बैठो बैठो, हटाओ उसको। देखिए इतना छोटा बच्चा है और ये मोबाइल चला रहा है, नात हो रही नबी की और इसमें बैठ करके व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है। थोड़ा सा सुने ये दोस्तों, सुने मेरे दोस्तों कि व्हाट्सएप फेसबुक और यूट्यूब ये हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है, लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है कि जो है, अभी मैं बता दूं, पिछले दिनों एक औरत कह रही थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं तो समझ जाएंगे, आप बताना नहीं चाहता वरना आप समझ जाएंगे मैं शमशेर जहाना गंजीवी की बीवी की बात कर रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो कह रही थी कि मेरा बच्चा व्हाट्सएप की वजह से स्कूल नहीं जा रहा है, कितना खतरनाक है, इसलिए रख दे मोबाइल को, मेरा बच्चा व्हाट्सएप की वजह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो उसके जो है बड़े अब्बू ने कहा कि व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। वो बोली कि एक दिन वो सुबह सवेरे स्कूल के लिए निकला और स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी, तो मैं घबरा गई और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो सुबह स्कूल के लिए निकला है, वो अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूँ जिस किसी को भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। तो औरत कह रही है कि वो लड़का उसके बाद आधे घंटे के बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन वो कहती है कि उस दिन के बाद से मेरा लड़का जब भी सुबह सवेरे स्कूल के लिए निकलता है तो कोई ना कोई वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, जिसको भी वो बच्चा दिखता है ला करके मेरे घर छोड़ जाता है। यही अगर आप गौर से सुनते तो बड़ा मजा आता। समझ में आ रहा है कितना गौर से सुन रहे हैं, वाकई हमारी जिंदगी ये तबाह करके रख दिया है। सुने मेरे दोस्तों नात के शेर, क्या आप जो है नाते नबी की महफिल में बैठे हैं और आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ना मुनासिब है। अगर आप उधर से ध्यान हटा लेते तो फिर आप सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते। क्या मोहब्बत को नया अकवाल दूं क्या, मोहब्बत को नया अकवाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या, सुना है तुम मदीना देख आए तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या, सुना है तुम मदीना देख आए तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। शेर देखें कि जो दिल में है वो आंखों से तमन्ना हम भी देखेंगे, कह दे इंशाल्लाह, जो दिल में है वो आंखों से तमन्ना हम भी देखेंगे, खुदा दिखलाएगा एक दिन मदीना हम भी देखेंगे। अब मदीने की बहार है तेरे दम से गुंबदे खजरा, मकी नूरे मुजस्सम है जो तेरा हम भी देखेंगे, मकी नूरे मुजस्सम है जो तेरा हम भी देखेंगे। आइए मैं दोस्तों एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि सारी कायनात को अल्लाह ने जिस तरह चाहा बना डाला, लेकिन वो मेरे महबूब जब तेरी तखलीक की बारी आई तो यूं लगता है कि मेरे महबूब ने पूछा बता तुझे किस तरह बनाऊं, तुझे किस तरह सजाऊं। हलीमा से पूछा गया तूने मोहम्मद को कैसा पाया, हलीमा ने कहा मैंने जब मोहम्मद को उठाया तो मेरी वो ऊंटनी जो कदम उठाने से पहले कांपती थी ये पूछती थी कदम उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन जब ये आया कमजोरों को तवानाई देने वाला, जाहिलों को इल्म की मार्फत अता कर देने वाला और कमजोरों को मजबूत बना देने वाला आया, तो हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं इसको सीने से लगा के बैठी हूं तो अब मेरी ऊंटनी कदम वहां रखती है जहां नजर पड़ती है। अरे कह दे ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरते बिलाल हो गया, अल्लाह करो ज़ईफ ऊंटनी बर्क जैसी चाल चल पड़ी, उसकी पुश्त पर सवार जब आमिना का लाल हो गया। आइए ये माहौल सिर्फ और सिर्फ शायरी की नामी के लिए मैंने दिया है, इतना मजबूत शायर है जिनका ताल्लुक सराय मीर की सरजमीन से है मेरे दोस्तों। वाकई वो जब माइक पर आकर नाते नबी गुनगुनाएगा और अपने खूबसूरत अशार के हवाले से आपके रूबरू होगा तो आप जरूर मचल के सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ शायरी की नामी है खूबसूरत लबो लहजे का ये शायर की नये चांद सूरज चमकते दमकते फलक पर कोई भी नजारा न होता, अरे शारिक न तुम आज होते न हम आज होते अगर आमिना का दुलारा ना होता। माइक पर खूबसूरत अशार के साथ जनाब शारिक इनामी। सदरे बावकाल डाइस पर जलवा अफरोज उलमाए कराम शौराए कराम वलीपुर के अदब नवाज सामईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजरीन महफिल
बारह आपकी खिदमत में हाजिरी होती रही है और फिर एक मरतबा जनाब अबू शामा साहब और शमशेर जहाना गंजवी साहब के जरिए आपके यहाँ हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। आज के मुशारे की खूबसूरत सरफरस्ती फरमा रहे मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातहुम उलालिया और हाफिज उस्मान गनी साहब आज की खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं। सीधे सीधे अकमल भाई मतलब पेश करता हूँ, नाते पाक एक मतलब एक शेर, थोड़ा डाइस बेदार हो जाए, मतलब पेश खिदमत है समाज फरमाए। कि जमी को चीर, क्या बात है, कि उल्फत के वाह नूर आएंगे। एक मतलब आप लोग भी बोल दो सुभान अल्लाह, पेश करता हूँ सुने। कि जमी को चीर के उल्फत के नूर आएंगे, मिटाने ज़ुल्मत तशद्दुद जरूर आएंगे, मिटाने ज़ुल्मत तशद्दुद जरूर आएंगे। और या नाज़म जरा करना, हमारी करने शिफात हुज़ूर आएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई शारी भाई, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी करने हिफाजत, हमारी करने शिफात हुजूर आएंगे। और एक मतला एक शेर आपके जहन समातों के हवाले करता हूँ, मुस्तकिल शब्बेदारी चल रही है, तमाम शोराए कराम जानते हैं, सब तमामी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं आपसे ज्यादा थके हारे हैं, आलो थोड़ा जुड़ के सुनेंगे इंशाल्लाह अच्छा सा लगेगा। एक मत तो मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, और तबालाई से मिलके बोल दे सुभान अल्लाह, पेश करता हूँ मतला समात फरमाए। के हर के दिल के अधेरे में अकमल भाई उजाला हो ही जाता है, बोल दे मतलब सुभान अल्लाह, पेश करता हूँ सुने। कि हर के दिल के अंधेरे में उजाला हो ही जाता है, हर के दिल के अंधेरे में उजाला हो ही जाता है, हर एक दिल के अंधेरे में उजाला हो ही जाता है, हर एक दिल के अंधेरे में उजाला हो ही जाता है, नबी की नात जो सुन ले, नबी की नात जो सुन ले दीवाना होता है, नबी नबी की नात जो सुन ले दीवाना हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजिरीन का। कि नबी की नात जो सुन ले दीवाना हो ही जाता है, और सुनो जब भी अलग ही चाशनी मिलती है शारिक, सुनो जब भी अलग ही चाशनी मिलती है शारिक, सुनो जब भी अलग ही चा
रोशनी मिलती है शार के। सुनो जब भी अलग ही चाशनी मिलती है शार के। मगर गाना मगर गाना तो कुछ दिन में पुराना हो। अरे वाह, सुभान अल्लाह भाई, शारी की नामी भाई बाप बहुत चालाक है माशाल्लाह। इतना खूबसूरत इसलिए शेर पढ़ रहे हैं, खूबसूरत हमारे शायरों की आमद हो रही है। जनाबे असाद आजमी साहब और जनाबे मुज़म्मिल हयात साहब हल्के हल्के कदमों से इस शेर का इस्तकबाल करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। जनाबे शारी की नामी अपने खूबसूरत अशार के साथ माइक पर। बहुत शुक्रिया। मगर गाना तो कुछ दिन में पुराना हो ही जाता है। जनाबे असद आजमी साहब, मुज़म्मिल हयात साहब की आमद हो चुकी है। हाजरीन अकमल भाई थोड़ा सा जुड़ जाइए। आप खुद ही मुड़ जा रहे हैं उधर। अरे माइक में आवाज नहीं है, उधर दीजिए वो। जी जी, इसलिए नहीं बोल पा रहा जी। हाजिर आप छोड़ छोड़ को सुने, मैं चाह रहा हूँ मस्जिद अक्सा के हवाले से एक मतला शेर आपके जहन समातों के हवाले करूँ। अकमल भाई पेश करता हूँ मतला, समात फरमाए थोड़ा जोड़ के सुने, एक मतला मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ समात फरमाए। उठ रहे इस राइली, क्या बात है, तूफान का रुख मोड़ दो। बोलने मतबा सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ सुने। कि उठ रहे इस राइली, तूफान का रुख मोड़ दो। उठ रहे इस राइली, तूफान का रुख मोड़ दो। उठ रहे इस राइली, चलो हाँ मोमिनो मिलकर चलो, अक्सा का ताला तोड़ दो। उठ रहे इस राइली, तूफान का रुख मोड़ दो। अब मसलकी झगड़ों से उम्मत का बहुत नुकसान है। मसल की झगड़ों से उम्मत का बहुत नुकसान है। मसल की झगड़ों से उम्मत का बहुत नुकसान है। मसल की झगड़ों से उम्मत का बहुत नुकसान है। मानो सुनो अब ए मुसलमानो सुनो, मसलक का झगड़ा छोड़ दो। उठ रहे इस राइली, तूफान का रुख मोड़ दो। मोमिनो मिलकर चलो, अक्सा का ताला तोड़ दो। एक तोड़ दो। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। एक एक है, बहुत शुक्रिया। एक एक भोजपुरी कलाम का हुक्म हुआ है, उसका एक मतला एक बंद पढ़ दे रहा हूँ। पढ़ो, इजाजत है। बोल दे मतला सुभान अल्लाह। कि छोड़ कर तोहरा, अरे वाह 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 ये बात है। छोड़ कर तोहरा दर हम किधर जइबे। आप लोग भी बोलो सुभान अल्लाह। कि छोड़ कर तोहरा दर हम किधर जइबे, छोड़ कर तोहरा दर हम किधर जइबे, छोड़ कर तोहरा दर हम किधर जइबे। हम पे कृपा ना करबा तो मरे जइबे, हम पे कृपा ना करबा तो मर जइबे। हुस्न मतला पेश करता हूँ पूरी तवानाई के साथ, बतौर खास मुलाहजा फरमाए।
के हम पे कृपा ना कर बा तो मरे जइबे। मौलाना आसिफ साहब दामद बरकातुम लालिया तशरीफ रखते हैं। असद आजमी साहब इनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मुस्लिम मतला पेश करता हूँ, समाज फरमाए। के हम पे कृपा ना कर बा तो मरे जइबे कि अब ना लंदन अब न लंदन हा लंदन अब न लंदन न पेरिस कतर जइबे अब न लंदन न पेरिस कतर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो सीधे मदीना नगर जइबे हम पे कृपा ना करबा तो मर जइबे। मानक जीवन क्या बात है, मानक जीवन है मोर बिखरा ओहो अरे माना मोर दिल का है चमन अभी उजड़ा चमन अभी उजड़ा मना 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 मोरे दिल का है चमन अभी उजड़ा उनकी पड़ी है उनकी पड़ी है हाँ पड़ी है उनकी पड़ी है नजर तो सफर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे। और एक बंग पूरी उम्मत मोहम्मद को एक पैगाम अकमल भाई जी और असद भाई फखरुल इस्लाम भाई इस डाइस के जरिए पेश करता हूँ, सुने इरशाद। के अब तो सीधे मदीना नगर जइबे के जुल्म सितम हम पे ना ही हो। क्या बात है, अच्छा है भाई। जुल्म सितम हम पे ना ही हो करम की फिर से वर्षा होई करम की फिर से वर्षा होई हम मुसलमान हम मुसलमान हम मुसलमान हम मुसलमान जे दिन सुधर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे अब तो सीधे मदीना नगर जइबे। दोस्तों बहुत अच्छा सुना, सुभान अल्लाह, खुशी हुई और तमाम शोराए कलाम की हाजिरी हो चुकी है। वक्त भी तंग दामन है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले सकता मैं आपका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक नज्म के एक दो शेर सिर्फ पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। माँ के हवाले से एक नज्म है, मैं पेश खिदमत मतलब बतौर खास समाज फरमाए कि ऐ माँ। भाई इशारिक साहब एक मिनट, कन्वीनर मुशायरा का हुक्म है सद्दाम मुंबई वाले, वो मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो स्टेज पर आने की जहमत करें। सद्दाम मुंबई वाले अबू शहमा साहब उनका इंतजार कर रहे हैं, पढ़ें भाई जी। पेश करता हूँ, सुने कि ऐ माँ ए माँ मेरे आंगन को। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, कुछ ना बोलिए सिर्फ सुन के बताइएगा। पेश करता हूँ दिल से, आप दिल से सुन के बताएं कि ऐ माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना। ऐ माँ मेरे आंगन को, ऐ माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना। ऐ माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना। दुनिया ये सताएगी मे
तेरी माँ दुनिया ये सताएगी, तुम छोड़ के मत जाना, दुनिया ये सताएगी। अकमल भाई कि जब मौत तुझे अपने क्या बात है बाप आगोश में ले ले तो, जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो बस इतनी गुजारिश है मेरी माँ, बस इतनी गुजारिश है माँ, ख्वाब में आ जाना ए माँ मेरे आंगन को। भाई आपने माहौल को बहुत साजगार बनाया और एक अच्छा माहौल दिया। ये थे जनाब शारी किनारी इनामी साहब जो बहुत खूबसूरत नाते नबी के हवाले से माइक पर थे मेरे दोस्तों।